वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई मूवी का रिव्यू। मूवी का नाम है आर्मी ऑफ द डेड। नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं। हिंदी में ये मूवी आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। किन किन सितारों ने काम किया है उन सभी के बारे में बात करेंगे। कहानी कैसी है, मूवी कैसी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं जैक स्नाइडर की इस मूवी के बारे में। तो भैया, कहानी से पहले आपको ये बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर है जैक स्नाइडर, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज बनाई हैं हॉलीवुड में। उनकी कोई भी मूवी उठा करके आप देख लीजिए, आपको बेहद पसंद आने वाली है ये मूवी। इक्का दुक्का शब्दों में अगर इस मूवी के बारे में बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त मुझको ये मूवी लगी है। ये मूवी देखने के बाद में मुझे लगा कि हाँ यार, इस कोरोना काल में कोई ढंग की चीज़ मैंने देखी है काफ़ी समय बाद। मतलब 2-1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारा क्रिंज कंटेंट, बहुत सारी वाहियात मूवीज़ देख करके मैं थक चुका था, पक चुका था। ये मूवी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये मूवी देखने के बाद। अब बात कर लेते हैं भैया, इसके स्टार कास्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो 2-3 नाम आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा डेव बटिस्टा को, जो कि आपने WWE की फाइट में काफ़ी सारे फाइटर्स से फाइट करते हुए देखे होंगे। डेव बटिस्टा ने इसमें काफ़ी मेन किरदार निभाया। इसके अलावा सरप्राइजिंगली एक और इंडियन एक्टर को हॉलीवुड में एंट्री मिल चुकी है इस मूवी के जरिए। वो इंडियन एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ने इस मूवी के अंदर गीता का रोल प्ले किया है, काफ़ी अच्छी लगी है हुमा कुरैशी। और सही में यार, एक अच्छा डायरेक्टर एक एक्टर से, एक एवरेज एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करवा लेता है, तो वही हुआ। जैक स्नाइडर ने अपनी मूवी में हुमा कुरैशी को कास्ट किया और हुमा कुरैशी ने भी काफ़ी अच्छा अभिनय किया है इस मूवी के अंदर। 2.5 घंटे के आसपास की ये मूवी है, नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया इसकी कहानी के बारे में, इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। एक एक्सीडेंट में एक ट्रक में से एक जोम्बी निकल के बाहर आता है। उस जोम्बी के काटने के कारण सभी लोग जोम्बी में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। लास वेगास जो शहर दिखाया गया है वो पूरी तरह से जोम्बी से भर जाता है। पूरे शहर को चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर्स लगा करके बंद कर दिया जाता है। उस लास वेगास शहर में $200 मिलियन की एक रकम एक जगह पर मौजूद है, एक बहुत बड़े लॉकर में। उस लॉकर से वो $200 मिलियन निकाल करके लाने का ठेका एक तरह से मान लीजिए डेव बटिस्टा को मिल जाता है। डेव बटिस्टा अपनी टीम बनाते हैं और उतर जाते हैं उन जोम्बीज के सामने। ये आम जोम्बी मूवी नहीं है। इस मूवी के जोम्बी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट इसमें जोम्बीज दिखाए गए हैं। ब्रेन डेड इसमें जोम्बी नहीं दिखाया गया है। इसके जोम्बीज बहुत तगड़े हैं यार। पहली बार आप इस तरह के जोम्बीज देखेंगे इस मूवी में। बहुत ज़बरदस्त आपको इस मूवी में हर एक जोम्बी, हर एक सीन लगने वाला है। बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो हर एक चीज़ में ये मूवी एक मास्टरपीस की तरह आपको लगने वाली है। विजुअल ट्रीट लगने वाली है। कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है, एडिटिंग बहुत अच्छी है। हिंदी डबिंग से मुझे थोड़े बहुत इश्यूज हैं क्योंकि टपोरी लैंग्वेज हर मूवी में सूट नहीं करती भाई। मुझे लगता है कि जैसे थेनोस को जिन्होंने डब किया था उन्हीं की आवाज़ में 2-4 कैरेक्टर्स की डबिंग होनी चाहिए थी। जैसे रॉकेट को डब किया गया था उसी आवाज़ में 1-2 और कैरेक्टर्स की डबिंग की जा सकती थी। बहुत ज़्यादा टपोरी वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप उन सबके साथ में एक बार के लिए काम चला लेंगे। बाकी मूवी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, ब्रिलियंट है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय करो। रेटिंग की अगर बात की जाए तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 5 में से 4 अंक। ओवरऑल टोटल एंटरटेनिंग होने की वजह से सभी ने अपना काम जबरदस्त तरीके से किया है। VFX हो, कोई भी चीज उठा करके देख लो आप इस मूवी की, आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी। जैक स्नाइडर का डायरेक्शन अपने आप में मास्टरपीस, चीजें बनाने के लिए जैक स्नाइडर जाने जाते हैं। तो जाओ इस मूवी को एंजॉय करो। अगर आपने देख ली है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो भाई राधे जैसी मूवी से सिर्फ फोड़ने की बजाय नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करो, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी यार। राधे जैसी बीमारी से दूर रहो। बाकी कोरोना काल चल रहा है तो अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। साबुन से, सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथों को साफ करते रहें। अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। टीकाकरण आपके एरिया में अगर चल रहा है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, टीके जरूर लगवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। व्हाट्सएप पर आने वाले फालतू मैसेजेस को इग्नोर करें, एक दूसरे का साथ दें, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी फैलाएं। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियोस लेकर मैं आता ही रहता हूं, तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।